द्वारा रामपुर से लखनऊ तक साइकिल रैली निकालने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता रहे फैसल खान लाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके गुंडों के समर्थन में साइकिल रैली निकालेगी, तो रामपुर के पीड़ित परिवार भी रामपुर से लखनऊ तक रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा के बाद मुख्यमंत्री आवास और राजभवन पर आजम खान और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। फैसल लाला ने कहा कि आजम खान के ऊपर 80 से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, इसके बावजूद वह शहर में बेखौफ घूमकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में मुकदमे लिखवाने वाले पीड़ितों का कानून से भरोसा उठने लगा है। किसी गरीब व्यक्ति पर यदि एक मुकदमा भी दर्ज हो तो पुलिस उसको फौरन गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन रामपुर में आजम खान को ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है और ना ही आजम के कब्जे से पीड़ितों की जमीन कब्जा मुक्त करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में रामपुर के गरीब मुसलमानों की जमीन पर जिस तरह से आजम खान ने कब्जे किए और अपने फायदे के लिए मदरसे, मस्जिदों और कब्रिस्तानों को बुलडोजरों से ध्वस्त करवाया था, उस मंजर की वीडियो के जरिए जनता को आजम खान के जुल्मों से रूबरू कराया जाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान ने पार्टी कार्यालय पर जिले के सिपाहियों के साथ बैठक की थी, जिसमें आजम खान ने 2022 में सपा की सरकार बनाने और भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाने को लेकर सिपाहियों में जोश भरा था। उन्होंने कहा कि हर हाल में 2022 में अपनी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम की अगुवाई में हम एक साइकिल रैली निकालेंगे जो रामपुर से लखनऊ तक जाएगी। देखिए, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान ने फिरौनियत की सभी हदों को पार करते हुए रामपुर के कमजोर मुसलमानों की जमीनों पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उनके घरों में लूटपाट तक कराई थी। उसके बाद तमाम लोगों ने आजम खान के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और हद तो अब हो गई कि आजम खान अब अपने आप को मजलूम दर्शाते हुए रामपुर से लेकर लखनऊ तक साइकिल रैली निकालना चाहते हैं। अगर आजम खान रैली निकालते हैं, साइकिल रैली रामपुर से लखनऊ लेकर जाते हैं, तो हम भी पीड़ित परिवारों के साथ रथ यात्रा लेकर लखनऊ जाएंगे और राजभवन के साथ साथ मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देंगे। यदि आजम खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम बहुत लंबा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छेड़ेंगे और उसमें तमाम वो पीड़ित परिवार हमारे साथ होंगे जिन्होंने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं। हम तमाम प्रदेश की जनता को दिखाएंगे, एक बस के ऊपर LED लगाएंगे और उसके जरिए हम एक वीडियो चलाकर आजम खान की फिरौनियत का वो मंजर दिखाएंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों के ऊपर आजम ने ढाया था, मदरसों को, कब्रस्तानों को, मस्जिदों को ध्वस्त कराया था। वो पूरी पिक्चर हम पूरे प्रदेश की जनता को दिखाएंगे और जनता को रूबरू कराएंगे, साथ ही आजम की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।